किए गए, अगर मान लीजिए एक कंसर्टेड एफर्ट करें कि दो तीन तरफ से जो उनके सहयोगी संगठन कह सकते हैं, सहयोगी डायरेक्टली मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कहा जाता है कि उनके जो समर्थित आतंकवादी संगठन है, अगर वो करें तो फिर ये आयरन डोम भी काम नहीं करेगा, एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल शिवकांत जी आपसे ये है कि रायता जो फैल रहा है, क्या ये एक बड़ी योजना का हिस्सा, मतलब बहुत सीधा सवाल है, बड़ी योजना का हिस्सा है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही आगे, आप खुद कह रहे हैं कि गजा से दिमाग हटा के अब इधर आ गया है, अगर अल जजीरा की हेडलाइंस ये बन रही हैं तो यही शायद वो कम्युनिटीज चाहती हैं कि इस तरफ हम मामला शिफ्ट हो, और ये तो बहुत दिन से चल रहा है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद कराना चाहिए जो US नहीं करा पा रहा है, तो एक तरीका बन रहा है क्या ये? हमको ऐसा लग रहा है कि एक बड़े गेम का छोटा हिस्सा है जो प्ले अप हो रहा है। मुझे लगता है कि इस लड़ाई में और कुछ इसराइल को जो भी नुकसान हुआ हो, लेकिन इसराइल को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इसराइल के जो दो मूलभूत आपत्तियां थी ईरान को लेकर के, कि उसके आप मिसाइल प्रोग्राम को आगे क्यों बढ़ने दे रहे हैं और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप आगे क्यों बढ़ने दे रहे हैं, जबकि उससे जो समझौता हुआ था सबसे ज्यादा जो रोष दिखाया था वो इसराइल ने दिखाया था, इसराइल ने कभी नहीं माना, बीच बीच में हर तरह से उसने उसको रोकने की कोशिश की। तो ये इसराइल को अब एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो जो दो उसके उद्देश्य हैं वो उन दो उद्देश्यों के लिए वो न खुद कोशिश करे बल्कि अमेरिका और यूरोप के देशों को भी साथ मिलाए, और एक हद तक इस वक्त अगर आप देखें तो यूरोप की शक्तियां और अमेरिका तो साथ आ ही गए हैं, अगर थोड़ा बहुत अगर ये डिप्लोमेसी से काम लें तो मुझे लगता है चीन और रूस को भी इसमें कोई खास आपत्ति नहीं होगी कि किसी तरह से इन दोनों प्रोग्राम्स पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि वो बात ये है बंदर के हाथ में उस तरह कोई नहीं देना चाहता। अगर कल को बम बना लेता है ईरान तो उसके बाद ईरान में अब एक बहुत अहम घड़ी भी है इस वक्त, ईरान के भीतर जो सुप्रीम नेतृत्व है उसका उसमें बदलाव आने जा रहा है, नए सुप्रीम जो धार्मिक नेता हैं वो अब इनसे एक तरह से पावर लेंगे। तो ये जो संक्रमण का काल है इस वक्त ईरान जो है वो कुछ भी कर सकता है, नया जो धार्मिक नेता आएगा वो क्या करेगा, वो परमाणु हथियार को इस्तेमाल करेगा कल को मिसाइल के ऊपर, तो ये सब चांस आप नहीं ले सकते, तो इसलिए इसको रोकना होगा और उसको रोकने के लिए इसराइल को मौका मिल गया है कि इस वक्त एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उसके साथ है। अगर 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 वो सोच के और ध्यान से काम करे तो इसको आगे बढ़ा सकता है। तरेजा जी, वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसा करेंगे ना, ब्रिटिश मूड तो ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। ब्रिटेन में आपके आपके जो पॉइंट है उसका दो हिस्सों में जवाब दूंगा। हाँ। पहला, एक तो तेल की कमोडिटी की मैं बात करूंगा। देखिए कि ये जाहिर है जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ होता है तो सबसे पहले नजर तेल की तरफ जाती है, और क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा सोर्स है वो। लेकिन इसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका में भी चुनाव है, भारत में चुनाव है, दुनिया यूरोप में भी चुनाव है, कई हिस्सों में दुनिया के चुनाव, सबको पता है कि अगर तेल की कीमत जो है वो आम उपभोक्ता की नजर में जो है वो एक सीमा से बाहर चली जाती है तो वो उस सरकार को पसंद नहीं करते, वहां जहां खासतौर से जहां जहां चुनाव हो, चाहे वो कोई भी देश हो। और अमेरिका में तो सस्ते तेल की उनको आदत है, क्योंकि उनका जो सारा परिवहन होता है हवाई जहाज है और कारें हैं, भारत की तरह इतना बड़ा जाल वहां ट्रेन का तो नहीं है या चाइना की तरह। तो इसलिए मुझे देखिए हमको समझना होगा, अमेरिका एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सकता है तेल का उत्पादन काफी कर रहा हो, लेकिन जो भाव वहां तेल का होगा वो वही होगा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर है, उसी भाव से होगा। तो वो भाव अगर बढ़ जाता है बावजूद इसके कि अमेरिका के पास अपना तेल है तो उपभोक्ता के लिए तो सरदर्द खड़ा हो जाएगा और बाइडेन साहब के लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका या जितने भी OECD कंट्रीज है ये सिग्नेटरी है, एक ट्रीटी है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को जो भी सिग्नेटरी है उनको 90 डेज का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना लाजमी है, जरूरी है, आपको जरूरत हो या ना हो लेकिन आपको रखना होता है। ये IEA की जो मेंबरशिप है उसके लिए जरूरी है, और जितने OECD कंट्रीज है लगभग ज्यादातर उसके सिग्नेटरी है। भारत को आमंत्रित किया गया, मेंबर बनी, और भारत के सामने यही समस्या है कि 90 दिन का भारत अभी उस स्थिति में नहीं है।
तो इसलिए जो तेल की जो कीमत होती है उसको हम किसी देश कितना सफिशियंट है क्या है उसी नजर से खाली नहीं दे सकते। हाँ वो बात दूसरी, अगर आप रशिया है सऊदी अरेबिया है जहां पर कंट्रोल किया जाता है मार्केट की भूमिका कम होती है, अमेरिका में मार्केट की भूमिका काफी ज्यादा है। दूसरा अगर वहां डिसरप्शन होता है तो जो अगर आप हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें वहीं से सऊदी अरब का तेल निकलता है, सऊदी अरब का 80% तेल उस रास्ते से निकलता है कि उनके जो तेल के भंडार हैं तेल के कुएं हैं ज्यादातर वो शिया इलाके में है, वो शिया इलाका जो सऊदी अरब के पूर्व में दहरान के पास अल खबर के पास वो सारा इलाका है। दूसरी तरफ ऊपर जाइए तो कुवैत है, इराक है और स्वयं ईरान का भी अपना तेल है। तो इसलिए किसी हर की मुझे नहीं लगता कि कोई चाहेगा कि वहां पर एक पूरा युद्ध हो जाए। और दूसरा हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया और चाइना सबसे ज्यादा प्रभाव ईरान में ईरान के ऊपर इन दो देशों का है और ये दोनों देश जो है ईरान चाइना जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से एक मंदी के बाद बाहर निकल के आ रहा है, रूस जो यूक्रेन में उलझा हुआ है, दोनों देश नहीं चाहते कि एक नया फ्रंट खुले जहां उनकी भूमिका जाने अनजाने में बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब कहने के बाद हमें अगर जियो पॉलिटिक्स पे आते हैं, देखिए ईरान इसराइल तो हमला तो करेगा, उसका आकार क्या होगा, डेप्थ क्या होगी, किस तरह का होगा, लेकिन वो एक ऐसा होगा जिसमें धमक होगी, जिसमें शॉक एंड ऑ होगा, जिससे जो डोमेस्टिक ऑडियंस है इसराइल के प्रधानमंत्री उसको शांत किया जा सके। जो कुछ भी ईरान ने किया वो अपनी अपने जो डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन को शांत करने के लिए इतना बड़ा स्पेक्टिकल था, तो इसराइल को स्पेक्टिकल करना पड़ेगा। मैं हमारे मित्र के साथ सहमत नहीं हूं कि वो साइबर अटैक हुआ, नहीं उनको ऐसा हमला करना पड़ेगा जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पर देखें और साथ में ये भी देखें कि हाँ भाई बहुत बढ़िया जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अन्य देश है वो उसमें शामिल होंगे और ईरान को कहेंगे अब तुमने कर लिया, अब इनकी बारी है, बस अब थमने की आवश्यकता है। सर, ईरान की ये तो विश्वविद्यालय वाली लड़ाई हो गई कि दादाजी आ गए, दोनों कहें तुम दो इनके लगाओ, तुम दो इनके लगाओ, अब अच्छा तो इनके तीन हो गए तुम एक और लगा लो, ये ऐसा चलेगा क्या? देखिए अब आपने बात करी आयरन डोम की या एरो मिसाइल जो यूज करी गई, जो कुछ भी हुआ सब कुछ अब तो बात हो रही है खुल के, अमेरिका को भी पता था, बाइडन साहब ने वार्निंग दे दी थी हमला होने वाला है। हाँ, उन्होंने कहा था ये, उन्होंने कह दिया था हमला होने वाला है, वो पहले से कह रहे, उनको पता था, सबको पता था, इसलिए नहीं कि इंटेलिजेंस ईरान का था, हम ही ने बता दिया था, हमने बताया था हम करेंगे। लेकिन अब ईरान का पॉलिटिकल मकसद पूरा हो गया, अब इसराइल के प्रधानमंत्री जो खुद बाइडन साहब के दबाव में है कि भाई आप बड़ा परेशान कर रहे हो, तो वो भी उनको करना तो अब पड़ेगा। लेकिन ये मुझे अभी लगता है ऐसा, देखिए कोई स्थिति कोई एक्सीडेंट हो जाए, स्थिति बेकाबू हो जाए तो कहना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में एक मिनट सवाल इससे बताइए, ये कैसे लोग वहां के खुश हो जाएंगे ईरान के कि देखो हमने भी कर लिया, तुमने क्या कर लिया बताओ, आप 300 मिसाइल दागी हो सब फिस हवाई मतलब दिवाली की फायरिंग जैसी होगी क्या, आपने इससे पब्लिक वहां की कैसे इससे संतुष्ट हो जाएगी? देखिए क्या होता है जब कोई देश किसी पे हमला करता है और इसलिए करता है कि जो डोमेस्टिक ऑडियंस जो है जो पब्लिक है पब्लिक ओपिनियन है उसकी जरूरत है, भूख है, उसके लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। मैं 2019 का भारत का कोई उदाहरण नहीं देना चाहता, तो इसलिए जो है ये वो बड़ी उसके बाद उसको अंदर आप कैसे उस बात को कैसे फैलाते हैं, उसको कैसे आम पब्लिक को कन्वे करते हैं, और पॉलिटिशियंस हर देश का इसमें माहिर होता है, तो इसराइल समा कर लेगा वो, और ईरान ने करा है, ईरान में यही हो रहा है आजकल। आप देखिए जगह जगह वहां पे जो है आंदोलन वो हो रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं और कह रहे हैं अपनी लीडरशिप को सलाम कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया ईरान ने, पहली बार जिंदगी में पहली बार ईरान ने इसराइल पे सीधा हमला किया, यही अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसी से लेके ईरान की जनता संतुष्ट हो गई। अब इसराइल की बारी है, वो करेंगे है ना वो तो और, लेकिन उसके बाद ये जैसे मैंने कहा कि एक लिमिटेड होगा, उसके बाद थोड़ी बहुत बौछार इधर से हो जाएगी, लेकिन कोई युद्ध एक्सीडेंट हो जाए तो युद्ध बढ़ेगा, एस्केलेट हो सकता है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता, जिसकी जिसके सारे देश चाहते हैं, कोई भी देश नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, सऊदी अरब नहीं चाहता, यूएई नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता, यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता, ईरान खुद नहीं चाहता, इसराइल खुद नहीं चाहता, तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाए तो बात है, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ये चलेगा, ये अभी थोड़ा लंबा चल सकता है, महीने दो महीने चल सकता है। नेतन्याहू साहब को थोड़ी राहत मिल जाएगी गाजा से, क्योंकि वापस तो सुई गाजा पे जानी ही जानी है, लेकिन इस बीच जो है इसलिए आप अगर तेल के बाजार को देखें 90 पे रुका हुआ है, राफा में हम जाएंगे नहीं, 90 पे रुका है, 90 से बहुत ऊपर उछल गया होता, तेल के बाजार ने ये एब्जॉर्ब कर लिया है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एस्केलेट नहीं होगा, ये बहुत बड़ा युद्ध नहीं बनेगा, तेल के बाजार ने इस बात को माना है, जब ये कीमतें बहुत ऊपर, लेकिन जैसे मैंने कहा कहीं कोई गलती होती है एक ट्रिगर आता है, सबसे पहले जो उछलने वाला होगा वो तेल का। जी तनेजा जी,
मेरा मैम, जैसे ये तलेजा जी कह रहे हैं कि ठीक है, ये बात सही हो सकता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत दिखा दी उसने, देखिए हम हमला कर सकते हैं। इस हिम्मत को तोड़ने के लिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे घर के आगे, आपने मुंबई में भी एक घर के आगे फायरिंग करके चले गए, पकड़ लिए गए, धर लिए गए, उनके ऊपर पता नहीं कौन कौन से कानून लगेंगे, तो वो हिम्मत तोड़ने के लिए इसराइल कुछ बड़ा करेगा? ऐसे तो बातें बढ़ती हैं, फिर धीरे 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 करके कन्वर्ट होगा। अब ऐसा है कि ईरान में तो जैसे बोला गया है, वहां की जनता काफी खुश है और ये कह भी रहे हैं वहां सरकार के लोग कि जो हमारी नीति थी एक तरीके से सामरिक धैर्य की, क्योंकि इसराइल के पास ज्यादा हथियार, ज्यादा शक्ति थी, तो इसराइल काफी दिनों से एक छुपा युद्ध ईरान के खिलाफ चला रहा है और ईरान एक छुपा युद्ध इसराइल के खिलाफ चला रहा है अपने समर्थकों के साथ, जैसे हिजबुल्ला या इसराइल तो कहता है हमास को भी हथियार ईरान नहीं दिए हैं, पर खुलेआम ईरान ने कभी अटैक नहीं किया था इसराइल को। तो अब ये कह रहे हैं कि पहली बार है कि सीधा हमला ईरान ने अपनी धरती से इसराइल पे किया, और इसका ये है एक तरीके से संदेश कि अब जो है सामरिक धैर्य की जो नीति थी वो खत्म हो गई, और आगे अगर इसराइल कुछ ऐसा काम करता है ईरान के खिलाफ तो ईरान जवाब दे सकता है। तो एक तो ये संदेश की तरह से मानिए, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने ये चलाए हैं वो साफ है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं करना चाहते थे जिससे युद्ध आगे बढ़े। इसराइल के लिए भी यही समस्या है कि जवाब दिए बिना अब वो नहीं छोड़ सकते स्थिति को, पर ये भी नहीं चाहते कि जवाब ऐसा दें कि उससे एक तरीके से पूरा युद्ध छिड़ जाए ईरान के साथ। तो कुछ लिमिटेड ढंग से कुछ करेंगे, और यूएस ने तो कह दिया कि हम इसराइल के साथ ईरान के ऊपर मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, इसराइल को समर्थन नहीं देंगे मिलिट्री एक्शन में। आप देखिए, नेतन्याहू ने ओबामा के समय से ये कोशिश करी है कि यूएस को किसी तरीके से खींच ले और ईरान के ऊपर हमला करें, उनके परमाणु प्रोग्राम पे और मिसाइल्स पे, पर ओबामा ने मना कर दिया उस समय नेतन्याहू को। फिर बाद में ट्रंप के समय में भी इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, और ट्रंप के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मिस्टर बोल्टन, वो तो खुश थे कि अमेरिका साथ में जाए, पर एन वक्त पे ट्रंप ने जो इनके पास रिकमेंडेशंस आए थे ईरान के लिए वो उन्होंने नहीं माने, एक रात में ही उन्होंने पलट दी नीति। और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर थे सुलेमानी, उनकी हत्या कर दी। तो एक तरीके से दो प्रेसिडेंट्स रहे हैं, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेट, जिन्होंने इसराइल की बात नहीं मानी है कि ईरान के ऊपर हमला करें और उसमें अमेरिका उनका समर्थन दे या हाँ कर दे कि इसराइल कर ले इसको। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के समय बाइडन साहब इसराइल को हामी देंगे कि आप उनके परमाणु प्रोग्राम पे पूरी तरीके से हमला करें। पहले भी कोवर्ट एक्शन तो लिया है, जैसे वो साइबर एक्शन लिया था जिससे उनका प्रोग्राम और जो सेंट्रीफ्यूज थे, एक वायरस ऐसा चलाया था जिससे उनके जो सेंट्रीफ्यूज थे वो खराब हो गए थे, एक एक्सप्लोजन भी हुआ था, कई सारे वैज्ञानिकों को मारा है जो उनके परमाणु प्रोग्राम में लगे हुए थे। तो इसराइल की पूरी कोशिश रही है कि किसी ना किसी तरीके से उनके प्रोग्राम को डिले करें। जी। और ईरान ने पहले तो मान लिया था
अपने जो समझौता किया था यूएस यूरोप रूस चीन जो समझौता किया था उसमें मान लिया था कि वो यूरेनियम को इतने प्रतिशत से ज्यादा नहीं इनरिच करेंगे जिससे हथियार बना सके, और आईएईए इंस्पेक्शन को भी मान लिया था। फिर जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे और उन्होंने इसराइल के दबाव में आके इस समझौते को रद्द कर दिया अपने आप और फिर प्रतिबंध लगा दिए ईरान के ऊपर, और तो कुछ दिनों बाद ईरान ने भी कह के कि हम भी जो हमारे कमिटमेंट्स थे इस समझौते के दरमियान वो हम नहीं पूरा करेंगे, वो हम तोड़ेंगे, और उन्होंने इनरिचमेंट फिर बढ़ा दिया 60% कर दिया, और आईएईए इंस्पेक्टर्स को जी, मेरा कहीं मेरा एक आध